हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप एक सीएससी वैली यानी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आप सभी सीएससी वैली के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात निकल कर आई है आईडीबीआई बैंक के तरफ से। सभी सीएससी वैली भाई के लिए एक और सुनहरा मौका आया है जिसमें आप सभी सीएससी वैली भाई को आईडीबीआई बैंक सीएसपी पॉइंट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते क्या है अपडेट सीएससी के तरफ से। उसकी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक का जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक के तरफ से एक मैसेज आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, कंग्रेचुलेशन आईडीबीआई बैंक बीसी वेंट टू लाइव टुडे, ऑल आईडीबीआई बीसी कैन इनिशिएट कस्टमर ट्रांजैक्शन, चार्जेस फॉर बीसी सीए अकाउंट इज ऑलमोस्ट फ्री इंक्लूडिंग ऑफ अस कार्ड ट्रांजेक्शन, वी विल लाइव ऑल अदर एफआई प्रोडक्ट्स इन फेज वाइज मैनेजर इंक्लूडिंग कस्टमर एसबी अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ये आईडीबीआई बैंक के तरफ से ये अपडेट निकल कर आया है कि सभी सीएससी वैली भाइयों को एक आईडीबीआई बैंक का सीएसपी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि सभी पंचायत और वार्ड में एक एक सीएसपी पॉइंट ओपन किया जाएगा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किस तरह से आप सीएसपी पॉइंट ओपन करेंगे, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे कि आप किसी भी बैंक का सीएसपी पॉइंट ओपन कर सकते हैं सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। तो चलिए आगे आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं। अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करेंगे bankmitra.csclaud.in। जैसे ही इसको आप सर्च करते हैं, आप सीएससी बैंक मित्र का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां से आपको बैंक बीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाते हैं। तो सिंपली आप यहां पर वीएलई रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और न्यू यूजर पर सब क्लिक करके सबमिट करेंगे। जैसे आप यहां पर सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर न्यू बैंक मित्र रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट एप्लीकेंट फ़ोटो चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड चाहिए, बैंक मित्र सेंटर इनसाइड आउटसाइड का इमेज चाहिए, सेविंग बैंक या कैंसिल चेकबुक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आईबीएफ का सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, साथ में पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि किसी अदर बैंक में आपने वर्क किया था या सीएसपी उस आपके पास है तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन यानी एनओसी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और जिस भी बैंक का आप सीएसपी ओपन करेंगे तो आप उस बैंक का ब्रांच मैक्सिमम आप देखेंगे 15 से 20 किलोमीटर के दूरी में होना चाहिए, तभी आपको सीएसपी प्रोवाइड किया जाए। तो फ्रेंड्स, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी सर्टिफिकेट के बारे में हमने बताया ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं। तो अभी आप सीएससी बैंक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बैंक मित्र रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और देख कर अपना बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही आइडियाज और टेक्नोलॉजी का वीडियो आते रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।